सब्सक्राइब करंतु बिपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जहाँफल प्रतिदिन अपलोड होता आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनी परिबे। परमात्मा गुण कर्म स्वभाव जहाँ शास्त्र रे सिद्धांत दि जाइछि ताको मन मन गुणी हेबा को पड़ो चिंतन रे कोण आनिबा को पड़ो बोली सुखदेव गोस्वामी कहुछन्ति विशेष गोविंद शरीर स्थूलंक मध्ये स्थूलतर जहि संसार परिमाण भूत भविष्य वर्तमान केशव 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 भक्त जनम बांधव। विराट पुरुष गोविंदंकर शरीर होउछि दृश्यमान स्थूल जगत भगवान स्थूलरु आहुरी स्थूलतर स्थूल जगतर प्रतिटी वस्तु पदार्थ जड़ जीवंत भितरे से ही एक परमात्मा दृश्यमान अतीतरे जहाँ किछि थिला एबे जहाँ किछि अछि भविष्यतरे जहाँ किछि हेबो सबुर कर्ता से निजे परमात्मा संसार परिसीमा जे पर्यंत परिव्याप्त से विराट स्वरूप होउछन्ति ईश्वर। हे परीक्षित महाराज पंचमेश्वर पंच आत्मा पंचभूत पंच तन्मात्रा ध्यान ज्ञान विज्ञान ये समस्त होउछन्ति ईश्वर प्रकृतिर समस्त स्थूल रूप ईश्वर बोली कहउछन्ति सुखदेव गोस्वामी। ब्रह्मांड बसे जारो देहे सप्तावरण युक्त हुए विराट पुरुष ए मध्ये बसे धारणा अनुवादे ब्रह्मांड चतुर्दश पुर प्रमाण शरीर जाहार केशव 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 भकत जनम बांधव। बोलानंद कंद भगवान की प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण हि बोलानंदे कवार हरि बोला। तेबे सजन वृंद सकल ब्रह्मांड जहां देहरु निष्पन्न होइछि मूल प्रकृति रु महतत्व महतत्व रु अहंकार आकाश वायु अग्नि जल ए सप्त आवरण मध्यरे से ही एक परमात्मा विद्यमान सप्त आवरण युक्त विराट पुरुष से निजे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड रे 14 भुवन ए सबु ईश्वरंकर गोटी गोटी स्वरूप नाभि प्रदेशर तळ भाग ठारु पाद तळीपा पर्यंत सप्त पाताल नाभि प्रदेश रु सहस्रा पर्यंत सप्त लोक इंद्र आदि दशदिग पाळ तांकर बाहु प्रदेश सप्त लोक मध्य मुख प्रदेश रे विराजित नई नाळ पहाड़ पर्वत कीट पतंग तरुतृण सरीसृप यक्ष नाग किन्नर गंधर्व विद्याधर चारण भूत प्रेत पिशाच जोगिनी कांतानी डाकिनी चित्त चैतन्य अंतरिक्ष सबकिछि होउछन्ति सेई एक परमात्मा ईश्वर। सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति हे राजा परीक्षित परमात्मा सृष्टिर सबकिछि ज्ञान करी संसार रो अनेकंक कथा आउ मन को न आनी मृत्यु काल रे सेई एक परमात्मा को धारणा करंतु सेई एक परमात्मांकर मृत्यु समय रे धारणा आसीगले जीवर परम गति हि जाय से जन को ध्यान करिबा उचित। मनुष्य स्वप्न रे अनेक वस्तु पदार्थ को देखे हेले से सबुर आसक्ति रे पड़िले जीव बंधन युक्त हो जाए सब वस्तु पदार्थ व्यक्ति भितरे से एक परमात्मा विद्यमान एक कथा जानिला परे केवल तांको ही ध्यान करिबा उचित। सेति पई कहउछन्ति सत्य परमानंद निधि जारो भजने सर्वसिद्धि बंचिथिबा बेले अनेकंक सह मनीष संपर्क रक्षा करिथाय शेष समय रे से समस्तंक कथा चिंता कले से माने केबे मुक्ति दे परिबे नाही बंधु बांधव आत्मीय स्वजन जीव को उद्धार करि परिबे नाही उद्धार करिबे से एक परमात्मा जे सत्य सनातन परमानंद से होउछन्ति ए जीवर प्रकृत संपत्ति तांकरि भजन रे सर्वसिद्धि मिलि जाय। स्वजन वृंद एतिकि कहिछन्ति सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एठी द्वितीय स्कंदर प्रथम अध्यायर परिसमाप्ति घटिछि भागवत द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय रे परीक्षित महाराज कर्म बंधन रु मुक्ति पाइबार उपाय पचारिबारु महात्मा सुखदेव कहिले संसार रो अन्य समस्त वस्तु पदार्थ व्यक्ति ठारु मन को छोड़ाई आनी आसक्ति दूर करी से उद्धारकर्ता परमात्मा को धारणा रे रखिबा को हेबो
सृष्टिर विशाल प्रकृति परमात्मा स्थूल परिप्रकाशित रूप एटा मन कर व्यापकतार हजिजाक हे कारण ईश्वर ध्यान बिना ए संसार किसी हुए ना ध्यान बिना कहीं किसी करपारती सर्वसमर्थ ब्रह्मा मध्य नुहे सृष्टि थरे प्रलय होगला पुनश्च सृष्टि जिते आरंभ हुए ब्रह्मा निजर सृजन कला को संपूर्ण पासुरी दे जाते भूली दिखती जमी पूर्व जन्म जो MBBS पढ़ी डाक्तर हो गले मृत्युबरण कर पुणी जन्म लाभ कले गला जन्म सर्टिफिकेट को नहीं ए जन्म जमी चाकरी मिले ना सेमती ब्रह्मा पूर्वकल्पर स्मृति को प्रलय पर आ मन रखी पारती ना नूतन सृष्टि निर्माण प्रारंभ में ब्रह्मा पुणी परमात्मा को धारणा लगाती धारणा लगेला स्मृति को समस्त सृजन कला पुणी फेरी आसे पुणी सृजन कला को सी आहरण करती तेणु ये परीक्षित जो परमात्मा को धारणा न कले ब्रह्मा मध्य सृष्टि करपारती ना से परमात्मा को धारणा न कले मृत्यु बेले जीव के उद्धार पाई ना हे राजा परीक्षित शब्द द्वारा आम वस्तु विषय ज्ञान लाभ कर कलरा शब्दटी को शुणा मात्रे सूक्ष्म कलरार चित्र आखिसामना को चली आसे कलरार स्वाद मन को चली आसे जीवन शेष समय जगत अन्य कौनसी शब्द को उच्चारण नक कौनसी संपर्क स्वाद को स्मरण से न आनी ब्रह्मा भि से एक परमात्मा नाम को स्मरण से आणले मुख्य प्राप्ति सुनिश्चित मनीष किंतु शेष समय अज्ञानतार वशवर्ती पुत्र कन्या नाती नातुणी जमी बाड़ी कोठाबाड़ी को झुरी होता है एत आसक्ति पड़ जाए जे डाक्तर जदि कहीदेला जे तुमर दुईटा जाक किडनी नष्ट हो जाए तुम्हें आउ बचीब ना मनीष निजर आत्मार परम गति कथा चिंता नक मु मरीगले मो स्त्री केमिति चलिबो पुओ झियो केमिति मनीष हेबे चासबास केमिति हेबो अधा तयारी होइथिबा घरर केमिति पूर्णांग हेबो एही वृथा चिंतार बुड़ी जाए मूर्ख मनीष चिंता करे मु बंचीची बोली मो परिवार ठीक ठाक चलीछि मु मरीगले मो परिवार लोक सेमाने समस्ते हीनस्ता हेइजिबे मनीष चिंता करि पारे नाही मो परी प्रतिदिन शह शह लोक मृत्युबरण करदी तर संसार आगक आगेबारे कौन सी असुविधा होना मु मरीगले मो संसार अधा बाटे अटकी केमी मु मरीगले मो पर लोक निश्वास प्रश्वास नेवाई कौन पवन अभाव पड़ पीवाक अभाव पड़ ए परिप्रेक्षी में गोटे सुंदर कथावस्तुर अवतारणा करुच्छी मन ध्यान दे श्रवण करे जड़े संसारी शिष्य बहुदिन पर गुरु को दर्शन करने आश्रम को जाए दुई दिन आश्रम रहणी पर शिष्य जितेबले घर को बाहर गुरु कहले आते दिन रही परमात्मा को तुम्हें टे ध्यान करुन निकांचन ध्यान करार तुमको सुजोग मिली हाथ छड़ा करना तुम्हें घर संसार ठार दूर को आसीच घर को गले पुणी माया संसार गहली भितर मन विक्षिप्त हो ध्यान करना शिष्य कहले गुरुदेव पर चलने दुई दिन चाउल डाली तेल मसला मुझे राशन सब दे आसी मुझी एठार ध्यान करी से उपास भोकिला रही जी गुरु कहले शास्त्र अच्छी परा भजन कले भोजन मिले शिष्य गुरुंकर कथा को गुरुत्व देले ना मो बिना मो संसार भार अन्य किए बहन करना यह से चिंता कले तेणु गुरु को प्रणाम करी विदाय ने आश्रम गुरु हाथ में गोटे चिठी दे कहले शिष्य को यही भाव में कहते तुम जीवा बाटे गोटे आश्रम पड़ो सेठे मोर जड़े सन्यासी शिष्य अच्छा ये चिठीटा देदेव संसारी शिष्य गुरु को ठार विदाय नहीं गले बाटर आश्रम टीए पड़ा परिचय दे यथा व्यक्ति को गुरु दे चिठीटी धरईदे चिठीर लेखा था जा हाथ में चिठी पठाई से व्यक्ति संसार महाशक्त व्यक्ति ध्यान करने गोटे निरोला कोठरी छ मास पर्यंत बंद कर दि सन्यासी शिष्य मीठा मीठा कथा कही गुरु को आज्ञा पालन करने कौशलपूर्वक गोटाए निरोला कोठरी को ये संसारी शिष्यटी को नहीं बाहर पाखर कबाट बंद कर देदेले झरकार प्रतिदिन खाद्य बढ़ई दिखती जिते डहल विकल हेले से शिष्य को आ छाड़े ना सजन वृंद कौन हो छ मास पर्यंत सी आ उपाय नपाई से घर भितर घर कथा परिवार कथा चिंता एवं से कौन कले ना घर भितर बसिक बाध्यबाधकतार हो बर भगवान को ईश्वर को से ध्यान करने को लगे से पाखे स्त्री लोकटी स्वामी जिते बड़े दिन दिन धरी अपेक्षा कले न आसिले
ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି କରିବେ ଭାବି ଗାଁର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସେ ଭାଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜମିଟିଏ ମଗେଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ପରିବା ଚାଷ କଲେ। ପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ହଳ କରୁ କରୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ମାଠିଆଟେ ପାଇଲେ। ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ବାହାରିଲା। ମାଠିଆ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରହିଛି। ଇଏ ତ ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, କାରଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଇଏ ଗୁରୁଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଠକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାବିଲେ ଏ ଜମିଟା ଯାହାର, ଏ ମାଠିଆଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର, ଏ ଧନର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜମିର ମାଲିକ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ, ନିଜେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ତାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରୁ ଏ ମାଠିଆଟା ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ। ଏହାର ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଦେଖି ଜମିଦାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ମାଠିଆର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏଟା ମୋର ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଟା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳା ହେଇକିରି ମୋତେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋର ଜମିର ମାଲିକ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ବି ମୋର ଯେତିକି ଅଧିକାର, ତୁମେ ଯେହେତୁ ୟାକୁ ବାହାର କରିଛ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର। ଦେଇଦେଲେ ଅଧା। ସେଇ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିରାଟ କୋଠାବାଡ଼ି କରି ଆରାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଚଳିଲେ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କିଛି ମାସ ପରେ, ଯେଉଁ ଛଅ ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ଧ୍ୟାନରେ ମନ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ, ଏ ସଂସାରୀ ଜଣକ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ, ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଚକଡ଼ା ଉପରେ ଦେଖିଲେ ବିରାଟ କୋଠା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଜମିଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ଏଠି କୋଠା ଘରଟେ ବନେଇଛି। ଘର ଭିତରକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିଲେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ଚମତ୍କାର କେମିତି ହେଲା? କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲ, ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ଚାଷ କଲି, ସେ ଜମିଦାର ମାଟିରୁ ବା ତାର ଜମିରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯୋଉ କଥା ଗୁରୁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଆଜି ସଂସାରୀ ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ହେତୁ କଲା, ମନେ ପକେଇଲା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଗଲି ଏ ସଂସାରରୁ, ମୋ ସଂସାର କେବେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ସଂସାର ସାରା ଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଦେବ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତୃଷାଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯକ୍ଷ ଜଗିଥିବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ, ଚେତା ହରି ବସିଲେ। ଶେଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ହେଲେ ଏବଂ ପାଣି ପିଇଲେ। ତେବେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଯକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ, ମୋତେ ତୁମେ କୁହ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଛନ୍ତି ହଜମାଳୟମ୍ ଶେଷା ଜୀବି ତୁମିଛନ୍ତି ଅତଃ ପରଂ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମଣିଷ ସଂସାରରୁ ମରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜମାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ଏହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କଥା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆସୁନି, ନିଜର ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସେ କଥା ମନକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୁହ, ସଂସାରରେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଛି? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଥିଲେ, କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, କା ବିନା କାହାର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ କାହା ପାଇଁ କେହି ବି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେଖା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଖାଇଲେ କେବେ ମୋ ପେଟ ପୂରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ରୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମୋ ରୋଗ କେବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏ ସଂସାରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ବାସ ନାମୟ ମାୟା ଜାନେ ନ ବୁଝି ନିର ହେ ଭ୍ରମଣେ, ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି
जाने बेपार सद बुद्धि सबके सबके सब भकत जन भोलानंद कंद भगवान ये संसार हेउची वासना पूर्ण मायार जहाज ए जहाज रे बसी जीव सर्वदा भ्रम रे पड़ी भ्रमण करुची एठु सेठिकी कुटी कुटी जीव मानक मध्यरे जीव माने सुबुद्धि आत्मज्ञानी तत्वदर्शी से माने जानंती ए संसार एक व्यापार किछि देले किछि मिले न देले न नेले संसार रे कहा सहित संपर्क भल रहे नाही मनुष्य चिंता करबा उचित संसार चलैबा पई मते कठिन परिश्रम करबा को पडुची एथिरु मु केते सुख पाउची सतरे दुख केते पाउची मनीष नयांत हो परिश्रम करुचे सब संपत्ति जाक नहीं घरे दे दौचे घर लोक मैंने खाई पी बंची तेरे कहतु ना कठिन परिश्रम करुवा लोकटा सुख केते पाए जीवन परम सत्य को उपस्थापन करने को जाई सुखदेव पुनश्च कहिले कौन कहते विचार कले माया पथे मुहि प्रमाई किसर्थे श्रम लभई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते सबके सबके सब भकत जना बांधव गभीर अनुशीलन कले वास्तव विचार कले जना जाए माया संसार रे मु केउथि पई भ्रमण करूछि मते लाभ कोन मिलूछि सुख पाइबा पई जे कठिन परिश्रम करूछि से सुखर स्थायित्व केते चिरस्थायी से सुख सुख केते समय स्थायी होई मो जीवन रे रहूछि जे कर्म कले सुख मिले तार अल्प क्षण परे दुख ही दुख मिले थाय मनुष क्लांत हो जाए पत्नी पाखरे सुख थाए पुनी से दुख मध्य देई थाए पुत्र जन्म करिवारे पुत्रवती हेबारे सुख थाए पुओ पुनी अशेष दुख देई थाए तेनु जेते परिश्रम कले मध्य लाभ बदल रे क्षति सहिबा को पड़ी थाए ए मनुष्य को जदि जीवन काल भितरे अबुझामणा पाई आमर भूल हो जाइछि धोखा खाइला परे प्रतारणा पाइला परे तबे आम जीवन रे आमे को करणीय कर्तव्य करबा उचित सज्जन वृंद आमर प्रकृत रे करबा उचित कोन एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणी आत्मा लाभ खोजी प्रत्याशा दूरे परिहरे आत्मा रे आत्मा बोध करे सबके सबके सब भक्त जन सचिदानंद भगवान जे बुझे परिचि जे देह सुख पाई जन्म मृत्यु पथरे गति करी जेते परिश्रम कले मध्य लाभ किछि ना आत्मीय स्वजन बंधु वर्ग जा पाई जेते कर्तव्य कले मध्य आत्मा सहित मानकर कोनोसी संबंध ना शेष समय र भल मंद रे एई बंधु परिजन वर्ग केही भी जने साहेब नाही सजन वृंद एकमात्र साहा होचंती परमात्मा तेणु जी परमार्थी जी आत्मज्ञान लाभ करने को प्रयासी से जीवन काल मध्य जहाँपाई जिते कर्तव्य कले कौन प्रत्याशा रखे ना क्या भरोसा करने उचित नुहे दान प्रतिदान आशा करने उचित नुहे दान जी प्रतिदान आशा रखे मुझापाई कर्तव्य कर मोपाई कि देह ज्ञान यह हूँ अज्ञानता यहाँ हूँ आसक्ति एपरी भावना रखिता व्यक्तिर मुक्ति केपे ना सबुरी भितरे परमात्मा विद्यमान मु जहा करिछि परमात्मा को निर्देश रे परमात्मा को उद्देश्य रे करिछि ए भावना रखिथिबा व्यक्ति शेष समय रे परमानंद लाभ करे आत्मा रे आत्मा को बोध करि पारे बंचिथिबा समय रे जीव जदि देह भाव को त्याग करी आत्मज्ञान लाभ करि पारिबो तेबे से सब समय रे प्रतिक्रिया शून्य रहि पारिबो कौनसी समय से प्रतिक्रियाशील हेब ना सब समय रे सब परिस्थिति रे संतोष से रही पार से जानी पारे संसार रे किसी सत्य नुह शरीर रक्षा पाई विषय को प्रयोजनीय मन करवा उचित केवल जी दरकार से भोग्य वस्तु ग्रहण करवा उचित प्रारब्ध रे जहाँ अच्छी मिले निश्चय पाइबापी मन को चंचल कर हाईपाई हवा दरकार ना उचाट कर व्याकुित हुए से बोका
ମନକୁ କେବେ ଉଚ୍ଚାଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ହିଂସା କରେ, ଈର୍ଷା କରେ, ବିଦ୍ୱେଷ କରେ, ସେ ଅମଣିଷ ନର୍କ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ଧନ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁତକ ସମୟ ଏ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଶେଷ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରେ ଏ ମଣିଷ, ତାକୁ ଲୋଭ କରି ତା ଚିନ୍ତାରେ ତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। ଧନକୁ ଦେଖି ଗର୍ବ କରେ, ଯେଉଁ ଧନକୁ ଧରିକିରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀହରିକୁ ଚିନ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ମାଟିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୋଇବାର ସେଜ। ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଥିରେ ଧରି ଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା, ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇବା, ଅହଙ୍କାର କରିବା ବୋକାମି ନୁହେଁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ବୈରାଗ୍ୟ। ଅଳ୍ପକେ ଯଦି କାମ ଚଳିଯାଉଛି ତେବେ ବେଶୀକୁ ଚାହିଁବା ଅନୁଚିତ। ମହାତ୍ମା ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି,